हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। दोस्तों दोस्तों दो बड़ी खबरें निकल करके आ रही है वोडाफोन आइडिया में, वो आपको मैं बताना चाहूँगा, और उसके बाद कल के लिए लेवल और टारगेट क्या आ सकते हैं इंट्राडे के लिए, वो भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों जब भी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। दोस्तों आपको पता ही होगा कि मैं कमेंट बॉक्स में दिए गए सभी पूछे गए सभी सवालों का 100% आंसर देता हूँ। तो दोस्तों चलेंगे हम पहले एनएससी की वेबसाइट पे, और वहां कारोबार की क्या डिटेल है वो एक बार जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको पता होगा कि दोस्तों यहां पे आज आईडिया की क्लोजिंग हुई थी ₹8.90 के आसपास। यहां पे मैं थोड़ा ड्रॉ करना चाहूंगा, तो यहां पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा। ₹8.90 के आसपास क्लोजिंग हुई थी, 20 पैसे ऊपर था, 2.30 पैसे की तेजी थी। तो यहां पे प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस ₹8.70 था, ओपन होता है ₹8.60 के ऊपर, हाई बनाता है ₹9.05 के आसपास, लो बन जाता है ₹8.55 के आसपास, और फाइनली क्लोजिंग ₹8.85 के आसपास होती है यहाँ पे। तो दोस्तों आगे देखें, नीचे देखें तो दोस्तों यहाँ पे मैं स्क्रॉल करना चाहूँगा, कारोबार कैसा रहा है वो बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी ट्रेड हो चुकी थी 16,30,000 शेयर की। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वांटिटी की साइज देखोगे तो नॉर्मल के हिसाब से थोड़ी कम ट्रेडिंग हुई है, मतलब वॉल्यूम थोड़ा कम है। उसमें से 5,85,00,000 शेयर की डिलीवरी हुई है, डिलीवरेबल परसेंटेज 36.5% के आसपास। तो डिलीवरी तो आज भी दबा करके हुई है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ पे चलेंगे हम दोनों न्यूज़ के ऊपर, वन बाय वन न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद कल चार्ट में क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं इंट्राडे के लिए वो बताने की मैं कोशिश करूँगा। तो दोस्तों सबसे पहली खबर यहाँ पे निकल करके आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम पे कि प्रशांत जैन, जी हाँ, ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे फोटो में, यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे ये जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये सज्जन प्रशांत जैन जी है जो कि HDFC म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं दोस्तों, उसके फंड मैनेजर है दोस्तों। आपको ना पता हो तो मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे ऐसी रिपोर्ट निकल करके आ रही है दोस्तों कि प्रशांत जैन जी ने, यहाँ पे आप देख सकते हो HDFC म्यूचुअल फंड सेल, मतलब कि प्रशांत जैन जी ने बेचा है, तो मतलब किसने बेचा है, HDFC म्यूचुअल फंड ने बेचा है। उसने रिलायंस डीमार्ट जैसे टॉप कंपनी में तो माल बेचा ही बेचा है, पर यहाँ पे उनके उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, पर यहाँ पे हम वोडाफोन आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसने कंप्लीटली एग्जिट किया है किसको, वोडाफोन आइडिया और DLF को। तो ये यहाँ पे चौंकाने वाली बात यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो दोस्तों पूरा न्यूज पढ़ेंगे यहाँ पे, तो नीचे स्क्रॉल करके दोस्तों मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों कि कंप्लीटली एग्जिट वोडाफोन आइडिया, DLF एंड ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो इन तीन कंपनियों में उसने कंप्लीटली एग्जिट मार दिया है दोस्तों, HDFC म्यूचुअल फंड ने कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है वोडाफोन आइडिया के अंदर, इस लास्ट महीने की बात करें तो। तो दोस्तों ये अपने आप में चौंकाने वाली खबर मुझे दिखाई दे रही है। अभी दूसरी खबर के ऊपर चलते हैं दोस्तों। दूसरी खबर यह है दोस्तों, यहाँ पे एयरटेल ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पे जवाब दिया है। आपको पता होगा कि उसके जो प्रीमियम प्लान चल रहे हैं उसके ऊपर काफ़ी सवाल जवाब चल रहे हैं, उसके ऊपर केस चल रहा है। तो आज एयरटेल ने, एयरटेल के मतलब कि जो मालिक है सुनील मित्तल ने, उसको उसने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इंडिया को जवाब दिया है कि जो उसने उनके प्लान के ऊपर जो सवाल उठाया है, तो वो ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि सिमिलर प्लान जो कि वोडाफोन आइडिया ने लॉन्च किया था रेडेक्स नाम का, आपको पता ही होगा, तो वो 8-9 पहले लॉन्च हुआ है, और अभी उसने उसने जो प्लान सिल्वर करके लॉन्च किया है, जो कि प्लेटिनम करके है सॉरी, तो वो तो एक मंथ से चल रहा है, तो इसके ऊपर इतना सवाल जवाब क्यों हो रहा है, उसने ऐसा बताया है। और काफ़ी सारी बातें बताई है जो कि पॉजिटिविटी तरफ ले जा रही है वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल को। तो दोस्तों इसी के चलते आज थोड़ी वोडाफोन आइडिया में तेज़ी दिखाई दी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल में भी 0.66% की तेज़ी थी, जबकि वोडाफोन आइडिया में 2% के आसपास की तेज़ी थी। तो उन्होंने ये जो प्रीमियम प्लान है उनको डिफेंड करते हुए बढ़िया सा जवाब दिया है TRI को। तो दोस्तों ये अपने आप में एक बढ़िया खबर थी, आज तेजी के पीछे ये भी वन ऑफ द एक कारण था। तो दोस्तों अभी चलेंगे चार्ट पे, और चार्ट पे क्या लेवल और टारगेट आ रहे हैं वो मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चार्ट पे मैं लेके आया हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको नीचे करना चाहूंगा ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ लेवल आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी रखे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा आज इसकी क्लोजिंग, जैसे कि मैंने बताया ₹8.90 के आसपास हुई है। तो जो मैं जिगजैग करके जो आपको एरिया बताना चाह रहा हूँ, जो कि उसका ऊपर रेंज है ₹8.95 और नीचे की तरफ है ₹8.80,
इस रेंज में हमें कल कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ऊपर की तरफ 8 रुपये 95 पैसे से ऊपर निकलता है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। और पहला टारगेट हमारा होना चाहिए कल के लिए इंट्राडे के लिए 9 रुपये 20 पैसे। नीचे की तरफ निकलता है दोस्तों तो 8 रुपये 80 पैसे के नीचे क्लोजिंग होने देने हैं 5 मिनट के ऊपर, और तब जाके आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो 8 रुपये 55 पैसे के लिए टारगेट के लिए। साथ ही साथ जैसे मैं आपको हर बार बताता हूँ आपको मार्केट की अभी क्या सिचुएशन है, निफ्टी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और क्या कुछ खबर या इवेंट नहीं है, वो सब भी ध्यान रखना है दोस्तों। और ट्रेड लेने से पहले अपनी स्टडी करना बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पे मैं जो चार्ट आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ जीरो दम में दिखाता हूँ, तो दोस्तों कोई भी अगर कोई यहाँ पे जीरो दम में अकाउंट ओपनिंग करना चाहता है तो मेरी नीचे लिंक दी हुई है उससे कर सकता है, तो उसको मैं हमारी तरफ से एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैंने हर बार बताता हूँ कि मैं जो टेलीग्राम चैनल खोलने वाला हूँ उसमें उसको मैं लाइफ टाइम के लिए एंट्री देने वाला हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।